खेल और समाज कल्याण विभाग के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वह दुर्ग शहर विधायक अरुण बोरा ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि सद्भावना दौड़ में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी शामिल हुए, जो बच्चों और अभिभावकों के साथ मिलकर लगातार वंदे मातरम जय का नारा लगाते हुए स्टेडियम से इंदिरा मार्केट की ओर बढ़े और जन जन तक देश प्रेम के लिए हर्षवर्धन किए। आज प्रतिवर्ष की तरह 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाता है। सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें सभी धर्मों के, सभी उम्र के, सभी लिंगों के, सभी जो देश के नागरिक हैं, आज के दिन सद्भावना की दौड़ करते हैं। आज जिला प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में आज जनता ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आज जिला प्रशासन के द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने यहां पर भाग लिया और ये दौड़ पूरे शहर का भ्रमण करेगी और इस बात का संदेश देगी कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक रहना है और एकता में ही ताकत है। सद्भावना, भाईचारा, आत्मीयता हम सब के बीच में हमेशा बनी रहे, इस दौड़ का मतलब ही यही है, आशय यही है और हर साल होती है और हम अपने शहरवासियों को इस बात का संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं और जो आज़ादी हमें मिली है हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की वजह से मिली है, इसे अक्षुण और मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। इस दौड़ में स्वतंत्र प्रशासन के अलावा और भी बच्चे भी सभी इसमें हिस्सा लेते हैं और इस दौड़ सभी के लिए है। जो इसमें हिस्सा लेता है और नहीं भी लेता है वह उसकी आत्मीयता इस दौड़